बनने से पहले हम नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उससे पहले हम एज अ MBBS करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोमेंटम क्लासेस से हम मोमेंटम बेस्ड कोचिंग है। अच्छा हुआ है, नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल था पेपर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 37। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं अभी मैं मोमेंटम कोचिंग के जस्ट सामने खड़ा हूं, जहां पे स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के लिए प्रतियोगिता यहां पे कराई गई थी और जो टेस्ट रखा गया था, हम बच्चों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ टेस्ट में उनको बेनिफिट दिया जाएगा इस टेस्ट देने के बाद। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं। बाबू पेपर देने के लिए आए थे? हाँ। कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर। कबीर नगर से। तो ये बताइए बाबू, जो टेस्ट हुआ है आपका, कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? अच्छा गया एकदम। किस क्लास में है अभी आप? टेंथ में हैं। तो कैसे पता चला कि इसमें स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का प्रतियोगिता कराया जा रहा? मेरे एक सर हैं, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम थोड़ा अच्छे हो पढ़ने में, तो तुम जाके टेस्ट दे दो, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो उन्हीं से हमको पता चला। कैसा हुआ है पेपर? अच्छा हुआ है। कहाँ से पेपर देने के लिए आई हैं? चौरी चौरा से आई हैं। तो पेपर कैसा हुआ है आपका? बढ़िया हुआ। बढ़िया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? करीबन 60 क्वेश्चन थे, जिसमें से 55 से 50 तक। अच्छा 55 से 50। मतलब अगर 5 इनकरेक्ट सॉल्व करो, मतलब उसे करो, तो एक नंबर कट रहा था, इस वजह से छोड़ दी। अच्छा, ओवरऑल मतलब आपने पेपर बढ़िया किया है। हाँ। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जो बच्चे हैं एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। बताइए पेपर आपका कैसा हुआ है? अच्छा है। पेपर बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटा आपने? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। निगेटिव मार्किंग था कि नहीं था? था। तो सारे क्वेश्चन आ रहे थे? नहीं, थोड़े बहुत। अच्छा थोड़े बहुत नहीं आ रहे थे। चलिए बेटा कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक आपको। और भी बच्चे हैं जो एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं। बाबू क्या नाम है आपका? अमन। अमन कहाँ से आए हैं आप? तारामंडल से आए हैं। पेपर आपका कैसा हुआ? पेपर तो मेरा अच्छा ही गया है। मैथ पोर्शन थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन बाकी सारा पेपर अच्छा गया। कौन कौन से पोर्शन आए हुए थे? क्या कौन कौन से पोर्शन आए हुए थे पेपर में? पोर्शन तो मतलब पूरा आया था, जितना क्या, मतलब क्या? थोड़ा 11th का बेसिक था और बाकी 12th का था। तो हम 12th में समय स्टडी कर रहे हैं, तो 12th का पेपर आया था। चलिए सर, ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के मोमेंटम के स्टाफ आ चुके हैं, उनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित के लिए ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या नाम है सर आपका? सर शिवम कुमार नाम है मेरा, और ये स्टार को लेकर ये सारा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें बच्चे अपना जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उसी हिसाब से उनका स्कॉलरशिप माफ होता है, और ये हर साल भर में एक बार किया जाता है। बेटा आप लोग पेपर दे करके आ रहे हैं, पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये बताइए जो यहाँ पे आकर के टेस्ट देने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब हमारी एबिलिटी का इससे पता भी चलेगा। और हम टोटल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 35 क्वेश्चन देने के लिए फ्रॉम सजनवा। सजनवा से। कैसे पता चला था कि इसमें स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है? हमारे स्कूल के टीचर हमें बताए थे। अच्छा, स्कूल के टीचर। किस स्कूल में पढ़ते हैं? ब्लूमिंग बर्ड्स गीडा। अच्छा, तो किस क्लास में हैं अभी आप? क्लास 12th। 10th में? 12th बायो। अच्छा, तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो मोमेंटम का क्या मतलब हेल्प लेना चाहती हैं? IAS ऑफिसर बनने से पहले हम नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उससे पहले हम एज अ MBBS करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोमेंटम क्लासेस से हम मोमेंटम बेस्ड कोचिंग है। और भी बच्चे हैं जिनसे बात करें। क्या नाम होगा बेनी आपका? नेहा यादव। कहाँ से आए हैं आप टेस्ट देने के लिए? फ्रॉम सजनवा। कहाँ से आए हैं? सजनवा। सजनवा से आप भी आए हैं। किस क्लास में हैं अभी आप? क्लास 12th। 12th में हैं। तो पेपर कैसा हुआ है आपका? अच्छा हुआ है, नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल था पेपर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 37। चलिए ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम चलते हैं सीधे संजीव सर के पास, जो आपको सारे डिटेल्स समझाएंगे कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस हैं, इसमें क्या छूट मिलेगा टेस्ट देने के बाद। तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं, मोमेंटम कोचिंग के मैं ऑनर से आपको बात कराने वाला हूं, और स्कॉलरशिप में क्या कुछ बच्चों को छूट दिया जा रहा है उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये MSTAR एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम है जो हम लोग पिछले 7 साल से करा रहे हैं, ये 7वां था इस साल।
नॉर्मली जैसे स्कूल में जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें कंपटीशन की कोई खास फीलिंग नहीं होती बच्चों के बीच में यहाँ, और उसके कारण से हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल के जो ओलंपियाड्स होते थे, कंपटीशंस होते थे, जेई और नीट होते थे, उसमें बच्चे पिछड़ जा रहे थे अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी। तो हमने ये एम स्टार स्टार्ट कराने का एक सबसे बड़ा पर्पस यही था कि उन बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग जनरेट करें और जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे उनको रिवार्ड दें। उस रिवार्ड से एक ये होता है कि बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और पढ़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो रिवार्ड के फॉर्म में हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम ज्वाइन करता है, कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तो जिसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा हम लोग कैश रिवार्ड भी देते हैं, और जो टॉपर हैं उसके लिए 20,000 रुपये का कैश रिवार्ड है। उसी तरह से रैंक टू, हर क्लास के रैंक टू, रैंक थ्री सबको कैश रिवार्ड है। इनफैक्ट हर क्लास के टॉप के 100 बच्चों को हम लोग कैश रिवार्ड देते हैं। सर, किस किस क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं? इसमें क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे शामिल होते हैं। तो सर, इस टेस्ट में सभी के लिए एक ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं, सभी क्लास के लिए अलग अलग पेपर होता है। जैसे क्लास 5 के बच्चों के लिए क्लास 5 के से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 6 का क्लास 6 से ही होता है। बस उसमें हम लोग एडिशनल मेंटल एबिलिटी का पेपर बनाते हैं, हर क्लास में देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आगे चल के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने हर क्लास में एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन डाले भी हैं। तो सर, स्कॉलरशिप में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बच्चों के लिए कितने प्राइज रखे गए हैं? फर्स्ट के लिए, हर क्लास के फर्स्ट के लिए 20,000 रुपये, सेकंड के लिए 15,000 रुपये और थर्ड के लिए 10,000 रुपये है। और सर, बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको मतलब क्या प्रोसेस है इसमें? बच्चों के रैंक के आधार पर, जो भी रैंक आता है उसके आधार पर स्कॉलरशिप डिफाइंड है ऑलरेडी। जो टॉपर होंगे, जैसे रैंक 1 से लेकर के रैंक 10 तक के सभी बच्चों का, हर क्लास के सभी बच्चों का 100% स्कॉलरशिप होगा, मतलब कि 100% फ्री होगा उनका मोमेंटम में पढ़ाई। तो और जो बच्चे आएंगे 100 से ज़्यादा, जैसे जो बच्चे आ गए 500 के नियर अबाउट, तो उनको मतलब क्या छूट दी जाएगी? हमारे यहाँ 500 रैंक तक, हर क्लास के 500 रैंक तक कुछ ना कुछ छूट है। जैसे जो 500वां रैंक लाया होगा उसको 20% छूट है, जो 100 रैंक लाया होगा उसको 50% तक छूट है, जो 50 रैंक लाया होगा उसको 70% तक छूट है। इसी तरह से स्लैब बने हुए हैं। तो सर, कितने बच्चे इस कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लिए थे? हमने गोरखपुर और मिला करके 7 डिस्ट्रिक्ट में हमने कराया, टोटल हमारे 15 सेंटर्स हैं, और टोटल 8,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसमें से कितने लोग अपियर हुए ये तो एग्जैक्टली हम लोग डेटा निकाल लेंगे, कुछ बच्चे एबसेंट हुए होंगे, लेकिन करीब करीब 7 से 7,500 बच्चे ज़रूर अपियर हुए होंगे। सर, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चों से कोई फीस वगैरह भी ली गई थी? हाँ, 100 रुपये हमने फीस रखा था इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। एक जस्ट बच्चों के इसके लिए कि भाई वो 100 रुपये अगर देते हैं तो थोड़ा सा उनको सीरियसली इस एग्ज़ाम को लेंगे, और ये बच्चों में इस तरह कंपटीशन की फीलिंग क्रिएट करने से आगे चल के कंपटीशन में बच्चे अच्छा करेंगे। तो बच्चों को IIT JEE और नीट की तैयारी कराते हैं, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मतलब IIT JEE हो गया, और उसके अलावा नीट जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। तो हमारे तीनों सेंटर्स में तो एग्जामिनेशन हुए ही, मोमेंटम गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में। उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सिद्धार्थ नगर में 2 जगह था सेंटर, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह सेंटर था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में मोमेंटम जोड़ करके 4 सेंटर थे, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर थे, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर थे, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटर थे हमारे। यानी सभी जगहों पे एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज किया गया था मोमेंटम के द्वारा। तो अगर आप लोगों को भी एडमिशन लेना होगा तो आप आ सकते हैं बिना किसी झिझक के, क्यों सर? हाँ जी, हाँ जी। तो जितने भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।